नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को प्लीज बहुत अच्छे से कीजिए। अब हम अपनी अकाउंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्लास में हम अभी पार्टनरशिप बेसिक्स पे थे, जिसमें हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे। 34th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, आज हम उसके आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे सब्जेक्ट की वीडियोस टाइम पे पाने के लिए, और दूसरा अब आप मुझसे कोई भी डाउट स्टडी रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट आता है जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे ये नीचे लिखे गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट ओनली व्हाट्सएप, आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे ये नीचे नंबर में जो मेंशन है उस नंबर पर आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, चले आगे। अब आप डायरेक्ट मुझसे इंटरैक्ट करते हैं, कर सकते हैं इस नंबर पर, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, या आपको स्टडी का कैसा स्केड्यूल होना चाहिए, कैसे पढ़े, कुछ डर लग रहा है 12th बोर्ड में, थोड़ा स्टार्टिंग में हमें डर भी बहुत लगता है, तो आप सब कुछ मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट सिर्फ व्हाट्सएप अलाउड है। ठीक है जी, ओके, चलो चलो अब हम 35th क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट, आ जाओ। अब 35th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। 35th क्वेश्चन में दिया हुआ है, राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स। ओके जी, खुशी की बात है कि ये राम मोहन एंड सोहन पार्टनर्स हैं। कितना कैपिटल है, 5 लाख का, 2,50,000 का एंड 2 लाख का रिस्पेक्टिवली। राम मोहन एंड सोहन तीनों के कैपिटल दिए हुए हैं। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, द प्रॉफिट आर डिविजिबल एज फॉलोज। ओके जी, ठीक है, देखो अब ध्यान से। राम मोहन सोहन के तीनों के कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं, उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करने के बाद इनके बीच में जो प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा। राम का है हाफ, मोहन का है 1/3 और सोहन का है 1/6, इधर स्लैश है बेटा जी। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/6, पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या आएगा इनका एलसीएम, एलसीएम बच्चा जी सबको निकालने आता है ना, एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं ना, इधर 6 आएगा एलसीएम, है ना, 2, 3, 3, 2, 6, 1, मतलब रेशियो हो गया 3:2:1। ठीक है, ओके, ठीक है जी। अब एलसीएम निकालना तो मुझे लगता है सबको आता होगा, अगर फिर भी किसी को नहीं आता है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं और बच्चों का इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, अगर किसी को प्रॉब्लम है एलसीएम निकालने में तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं उसे बता दूंगी कि एलसीएम कैसे निकलता है। ठीक है जी, ओके, तो 3:2:1 आ गया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं आता, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, डाउट पूछने में कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, टीचर्स, हम टीचर्स क्यों हैं, आप डाउट पूछेंगे उसी के लिए तो हम टीचर बने ना, आपका सॉल्व करने के लिए डाउट। ठीक है ना, तो आपको किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का 1 है, 3:2:1 दिया है। ठीक है, और क्या है, राम एंड मोहन ने गारंटी दी है दैट सोहन शेयर इन द प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 25,000 इन एनी ईयर। ठीक है, सोहन का शेयर किसी भी साल 25,000 से कम नहीं होगा। ओके जी, नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख का आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है बाय प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन तो हम बहुत बार बना चुके हैं, है ना जी, तो ये तो आपको पता होगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं जी राम मोहन सोहन। ठीक है, इनका कैपिटल कितना है, इसका है 5 लाख, इसका है 2,50,000, इसका है 2 लाख। ठीक है,
इंटरेस्ट है 10%, ओके जी। और ये ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि विद कैपिटल लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, मतलब इस पर डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा कितना 10% का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50,000, ये आ जाएगा 25,000, ये आ जाएगा 20,000, है ना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 79,095,000। तो जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2,00,000 का प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग। तो 2,00,000 में से 95,000 जी माइनस कर दो, ठीक है, 90 माइनस करेंगे 1,05,000, ठीक है। अब ये राम मोहन सोहन में किसमें बटेगा, 3:2:1 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है जी। कर ले 1,05,000 डिवाइड बाय 6 × 3 52,500, ओके 35,000, ओके 17,500। ओहो, पर हमने तो गारंटी दी है जी सोहन को, है ना, 95, ओके 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 ओके, ठीक है। 17,500 आ रहा है सोहन का शेयर, पर हमने तो जी सोहन को गारंटी दी हुई है कितनी, 25,000 की। किसने दी है, राम एंड मोहन ने। किस रेशियो में दी है ये हमें दिया नहीं है, तो हम मानेंगे इनका जो आपस में शेयर है 3:2 उसी में, ठीक है। मतलब 17,500 माइनस 25,000, 7,500 की ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, राम एंड, एक सेकेंड, राम एंड मोहन बेयर करेंगे किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, ठीक है जी। मतलब 4,500 ये बेयर करेगा, 3,000 ये बेयर करेगा, है ना, ओके। तो फाइनल शेयर निकल कर आया इसका 48,000 और इसका निकल कर आया 32,000 और इसका तो 25,000, ठीक है, ओके। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप लोग बना सकते हैं, उसका पूरा फॉर्मेट आपको पता है। क्रेडिट में प्रॉफिट लिखोगे, डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, फिर प्रॉफिट शेयर लिखोगे राम मोहन सोहन, फिर जो डेफिशिएंसी है राम और मोहन से डिडक्ट करके सोहन में ऐड हो जाएगी, बस वैसा ही करना है, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन को, देखो ध्यान से सुनो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस फॉर्मेट में दिया था, 1:2, 1:3, 1:6 के फॉर्मेट में दिया था। तो ऐसे फॉर्मेट में हम नहीं निकाल सकते, पहले हमने एलसीएम निकाल के इसको कॉमन कर दिया ताकि हम एक्चुअल रेशियो कितना आ रहा है वो निकाल सके। तो एलसीएम निकाला जिससे रेशियो आ गया 3:2:1 का, ठीक है जी। अब देखो क्या है, राम मोहन सोहन तीनों की कैपिटल दी हुई है जिससे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, प्रॉफिट में से माइनस किया, ठीक है, माइनस किया। तो एक जो फाइनल प्रॉफिट है वो राम मोहन सोहन को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें सोहन का शेयर जो है वो 17,500 आ रहा है, जबकि उसको राम और मोहन ने गारंटी कितनी दी है 25,000 की। तो ये जो डेफिशिएंसी है 7,500 की, उसको तो अपना शेयर मिलेगा ही, पर इस डेफिशिएंसी को राम एंड मोहन बेयर करेंगे, भाई किस रेशियो में, ये तो दिया नहीं है। तो जो उनका आपस में शेयर है दैट इज 3:2, जिस रेशियो में आपस में वो बांटते हैं, देखो 3:2:1 है, मतलब आपस में राम मोहन का शेयर क्या है 3:2 का, उस रेशियो में क्या करेंगे जी, राम एंड मोहन अपनी इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे, सिंपल, ठीक है जी, ओके। कोई भी डाउट है आपको पता है आप क्या करना है, कमेंट सेक्शन नहीं, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके ओके जी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको पता है, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन हाल बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकाला है हमने, बस द मेन फैक्टर इज कि हमने इसमें एलसीएम निकाला है, ठीक है। प्रॉफिट ऐसे दिया था, रेशियो हमें इसको एक इक्वलाइज करना पड़ेगा ताकि हम रेशियो के फॉर्म में से लिख सके, तो इसलिए हमने पहले इसका एलसीएम निकाला 6:2, 3:2 और 1, तो 3:2:1 आ गया, ओके क्लियर। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अमित बबीता एंड सोना फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई, खुशी की बात है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, रेशियो भी हमें दिया है, अमित बबीता एंड सोना ने एक पार्टनरशिप बनाई और आपस में वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, 3:2:1 रेशियो में दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग व्हाट, सोना शेयर इन द प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 15,000 इन एनी ईयर, सोना को गारंटी दी गई है कि भाई आपका शेयर किसी भी साल 15,000 से कम नहीं होगा, जितना भी प्रॉफिट आए उसमें जो आपका शेयर बनेगा वो 15,000 मिनिमम बनेगा, ठीक है। बबीता गिव गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हर फॉर द फॉर्म शैल बी इक्वल टू हर एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years when she was carrying on a profession alone which is 25,000। क्या दिया है बबीता ने, ये गारंटी दी है कि जो भी मैं प्रोफेशन पार्टनरशिप फॉर्म में आने से पहले कैरी करती थी उसमें मैं जितना भी कमाती थी, मतलब ऑन एन एवरेज 25,000, तो अभी भी जब मैं पार्टनरशिप फॉर्म में आई हूँ मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि मैं इतना कमा के दूंगी, पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को बबीता ने ये गारंटी दी है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट है, एक तो सोना को हमने गारंटी दी है प्रॉफिट की, किसने दी होगी, बच्चे कुछ मेंशन तो है नहीं, तो दैट मींस अमित एंड बबीता ने गारंटी दी है। देखो सोना के पास है प्रॉफिट की गारंटी, जो उसको किसने दी है बाबा जी, अमित एंड बबीता ने दी है, ओके जी। सोना को प्रॉफिट की गारंटी किसने दी है, अमित एंड बबीता ने दी है, कितनी, 15,000 की, फिर से रेशियो मेंशन नहीं है, तो जो अमित एंड बबीता का आपस में है 3:2 का शेयर उसमें ले लेंगे, ओके। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि बबीता ने गारंटी दी है किसकी, ग्रॉस फी की, लेकिन ये गारंटी उसने पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म को दी है, ठीक है। बबीता ने पार्टनरशिप फॉर्म को गारंटी दी कि मैं कम से कम 25,000 तुम्हें कमा के दूंगी, देखो साफ साफ लिखा है, बबीता गेव द गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हर फॉर द फॉर्म शैल बी इक्वल टू हर एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years when she was carrying on the professional alone, 5 साल का जितनी भी उसने ग्रॉस फी अर्न की उसका जो एवरेज है, जो 25,000 है जो दिया है, which is 25,000, इतना कम से कम फॉर्म में तुमको कमा के दूंगी, ये एक पार्टनर जो बबीता है उसने फॉर्म को गारंटी दी, इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना आया 75,000 का, ठीक है, ग्रॉस फी अर्न बाय बबीता फॉर द फॉर्म 16, ना 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 ना, आपने बबीता जी गारंटी दी थी 25,000 की, आप तो सिर्फ 16 कमा पाए, अब क्या करेंगे, बबीता ने फॉर्म को गारंटी दी थी मैं 25,000 कमा के दिखाऊंगी, कमाई नहीं पाई, 16 कमाए, तो ये जो कमी है 9,000 की, राइट, 16,4, हाँ 9,000 की कमी है ये, अब हम पता है फॉर्म क्या करेगी, फॉर्म बोलेगी आपने हमें कैपिटल दिया हुआ है ना, हाँ कैपिटल दिया है, आपका कैपिटल बैलेंस कम करेंगे, क्यों दी गारंटी, हमें तो अपने प्रॉफिट चाहिए, ये फी हमें चाहिए, हम 9,000 रुपए ले लेंगे, पर एक्चुअल में पैसे से तो लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हमारी फर्म की जो पार्टनर की तरफ लायबिलिटी दिख रही है, कैसे दिखती है, कैपिटल से रिफ्लेक्ट होती है, एक पार्टनरशिप फर्म की अपने हर पार्टनर की तरफ जो लायबिलिटी होती है किस टर्म में रिफ्लेक्ट होती है, वो कैपिटल, ठीक है, तो हम अपनी इस लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, बबीता तुम्हारा कैपिटल कम कर देंगे, बिकॉज 9,000 तुम्हें कमा के देने थे तुमने दिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा कैपिटल कम कर देंगे जी, ओके जी। तो हमने बबीता का कैपिटल 9,000 से कम कर दिया और फर्म को उसके 9,000 मिल गए, बिकॉज लायबिलिटी का कम होना मतलब मिल गए 9,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि जहां लायबिलिटी जैसे मान लो 2,00,000 की दिख रही थी, अब वो 9,000 से कम दिखेगी लायबिलिटी, तो मतलब एक तरीके से फर्म ने कुछ कमाई तो कर ली क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई, जहां लायबिलिटी 2,00,000 दिख रही थी अब 9,000 से कम दिखेगी, मतलब 9,000 कमाई हो गई, तो ये कमाई कहां जाएगी, P&L appropriation में, बिकॉज ये सब कुछ पार्टनर से रिलेटेड है जी, तो पार्टनर को हम जो भी देते हैं, पार्टनर से हम जो भी लेते हैं, एवरीथिंग गोज ऑन P&L appropriation, unless mentioned in question कि it is a charge, वरना सब कुछ
पार्टनर लोन को छोड़ के सब कुछ कहां जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो ये 9000 पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चले जाएंगे और बबीता का कैपिटल 9000 से कम हो जाएगा। समझ गए हो सबको? ठीक है, ओके जी, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था बच्चा, इसे मैं हटा रही हूँ। ओके चलो, ओके चलो। तो मतलब मैं पता है एंट्री क्या करूंगी, मैं बबीता कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगी। कितने से भाई? 9000 से, ठीक है। और ये कहां जाएगा ये फायदा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर से मिल गया, उसने गारंटी दी थी, बीइंग फ्री गारंटी गिवन बाय बबीता, ठीक है। ओके वन सेकेंड बच्चों, ठीक है। ये एंट्री आपको करके नहीं दिखानी, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बबीता कैपिटल, बिकॉज उसने फी की गारंटी दी थी, ग्रॉस फी की। अब तुम नहीं कमा पाए 9000, तो तुम्हारा कैपिटल कम करेंगे, और हमारे लिए तो फायदा हो गया फॉर्म के लिए, तो सारा फायदा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। अब आता है असली बात, ठीक है। असली बात क्या? 75,000 का प्रॉफिट पहले से ही था, इसमें 9000 पीएनएल अकाउंट से जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में गया होगा 9000 और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में गया है ना, तो 9000 गया, 84,000 फाइनल कितना हो गया? 84,000 पहले ही सही था, 9000 बबीता का कैपिटल डेबिट करके 9000 और फायदा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में गया, बिकॉज उसने गारंटी दी थी जो वो फुलफिल नहीं कर पाई। मैंने पहले ही बताया गारंटी तो फुलफिल करनी ही पड़ती है, वरना पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाता है, ठीक है। अब ये है 84,000, अब ये बटेंगे इन तीनों में, अमित में, बबीता में, एंड कौन है भाई, तीन पार्टनर्स कौन है? सोना, हाँ अमित बबीता एंड सोना, 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है। बांट दो भाई, बांट दो, ठीक है। ये आ गया 42,000, ये आ गया 28,000, ये आ गया 14,000। यहीं पे गड़बड़ शुरू हो गई, क्यों? बिकॉज गारंटी दे दी थी 15,000 की, शेयर कितना निकला सोना का? सिर्फ 14,000। कौन बेयर करेगा इस कमी को? अमित एंड बबीता। किस रेशियो में मेंशन है क्या? नहीं, तो 3:2 के रेशियो में, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट पेन यूज करते हैं अपन, ये 1000 की डेफिशिएंसी बेयर करेंगे कौन? अमित एंड बबीता। किस रेशियो में जी? किस रेशियो में? ठीक है, 3:2, दैट इज 600, 400, ठीक है। तो इसमें से 600 कम करो, इसमें से भी 400 कम करो, तो आ जाएगा 41,400। इसमें से कितना आ जाएगा भाई? 27,600। इसका शेयर तो अपना 15,000 का है, डन, ठीक है। एक बार फटाफट से मैं फिर से रिकैप दे देती हूँ क्वेश्चन का, फटाफट से सब ध्यान दो। तीन पार्टनर है, 3:2:1 का रेशियो, दैट्स इट। एक पार्टनर को 15,000 की गारंटी दी हुई है, ठीक है। पीएनएल से जो प्रॉफिट है वो 75,000 का है, ठीक है। लेकिन एक और पार्टनर है बबीता, जिसने फॉर्म को गारंटी दी कि मैं 25,000 की फी तुम्हें कमा के दूंगी फॉर्म, ठीक है। लेकिन उसने सिर्फ 16,000 कमाए, मतलब 9,000 की कमी। परफॉर्म तो बोलेगी तूने गारंटी दी है, अब तू कमा नहीं पाई तो हम क्या करेंगे? कैपिटल को कम कर देंगे। कैपिटल कम करना मतलब फॉर्म के लिए तो फायदा हो गया ना, तो 9,000 फॉर्म के लिए फायदा, जो पार्टनर से मिला है इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो 75,000 फ्रॉम पीएनएल ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एंड
ये 9000 की कैंडल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गए, टोटल हो गए 84000। अब ये 3:1 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो उसमें सोना का शेयर 14000 आ रहा है जबकि गारंटी दी है 15, तो सोना को तो पूरे 15 मिलेंगे, लेकिन ये 1000 की डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? अमित एंड बबीता बेयर करेंगे। किस रेशियो में? कोई रेशियो मेंशन नहीं, तो आपस में जिस रेशियो में ये प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 उस रेशियो में, तो 600 अमित ने बेयर करे, 400 बबीता ने बेयर किए, ठीक है। तो फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट अमित का आ गया 41400, बबीता का आ गया 27600 एंड सोना का तो 15000। ओके। और अगर मैं कैपिटल बताऊं, बबीता का अगर मैं बताऊं तो बबीता का कैपिटल देखना ध्यान से, डेबिट हुआ 9000 से और क्रेडिट हुआ ये फाइनल शेयर 27600 से, ठीक है जी। ओके, क्लियर, समझ में आया। अब अगर इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने को बोला है, चलो मैं वो भी बना के दिखा दूं क्या? अगर वन सेकेंड, इस क्वेश्चन में मैं आप लोग को बना के दिखा देती हूँ भाई, इस साइड से नहीं होता ना। वन सेकेंड, ओके, मैं फिगर्स लिख दूं इधर बेटा जी, क्योंकि हमने निकाल दिए ना 9000, 41400, 27600, 15000, 428000। एक सेकेंड बच्चा लोग, ये सब आप मत देखो, आप बस मैं जो बना दूंगी ना वो देखना, ठीक है। पहले सबसे पहले ये समझ में आ गई ये एंट्री और मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सब कुछ आपके नोट्स का पार्ट बन सकता है, ठीक है। जो मैंने कहा था कि हमें नोट्स बनाने हैं पहले, तो ये आपके नोट्स का पार्ट तो बिल्कुल बन सकता है। अब फाइनल जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा वो कैसे बनेगा अभी बताती हूँ। ठीक है, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगी? पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके बच्चा लोग, ठीक है, वन सेकेंड। डेबिट क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, पहले मैं बाय पीएनएल अकाउंट लिखूंगी जो 75000 आ गया है, फिर मैं बाय ग्रॉस फी जो बबीता के कैपिटल अकाउंट से हमने ली है, बबीता कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितनी 9000 की, तो टोटल आ गया 84000। अभी 84000 ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कितना, अमित का कैपिटल अकाउंट। देखो पहले इनर कॉलम में लिखो जी कितना है, 42000, लेकिन 600 की उसने डेफिशिएंसी बियर करी है, तो फाइनल कितना हो गया 41400। फिर किसका है बाबा? बबीता का कैपिटल अकाउंट, पहले इनर कॉलम में लिखो 28000, पर 400 की उसने डेफिशिएंसी बियर करी तो आ गया 27600। फिर किसका है? सोना का कैपिटल, आ तो एक्चुअल में 14000 रहा है लेकिन उसकी गारंटी अमाउंट 1000 है, तो टोटल आ रहा है 15000, बन गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन। समझ में आया सबको? ठीक है, बाय पीएनएल 75, बाय बबीता कैपिटल ग्रॉस फी की जो गारंटी है 9, टोटल हो गया 84, सारा का सारा पार्टनर्स में ट्रांसफर होगा, अमित में 42 पर डेफिशिएंसी के 600 माइनस करो, बबीता में 28 पर 400 डेफिशिएंसी के माइनस करो, और सोना का 14 लेकिन 1000 गारंटी के उसको दे दो। तो पहले ये इनर कॉलम में लिख के दिखाओ, फिर फाइनल शेयर आउटर कॉलम में लिखाओ, तो टोटल तो जी 84000 ही आ रहा है ना इसका और इसका भी, ये बन गया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके जी, अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं साथ में मिलके, अकेले नहीं। मैम को अकेले हम सॉल्व करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप सब प्लीज मैम की हेल्प कीजिए, ठीक है? साथ में मिलके करते हैं तो काम बड़ी जल्दी हो जाता है, ये भी आपने देखा होगा, है ना? ठीक है, एग्जाम में साथ में नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में सबको अपना अपना सम सॉल्व करना है, एग्जाम में यूनिटी भूल जाओ, नो यूनिटी, अपना अपना सम, ठीक है? ओके, पता चला एग्जाम में यूनिटी बना के सॉल्व करो, सबके सब रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे, एग्जाम में यूनिटी नहीं चलेगी, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द ईयर एंडेड 31st 2020 वाज 60,000। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, उनका नेट प्रॉफिट आ रहा है 60 का, एंड द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर एग्रीड रेशियो दैट इज 3:1:1, ठीक है? 60,000 रुपए जो 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट द बुक्स अंडर द मेंशन ट्रांजेक्शन्स वर नॉट रिकॉर्ड दैट डिस्कवर्ड दैट अंडर द मेंशन ट्रांजेक्शन्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, मतलब ये जो नीचे लिखे गए ट्रांजेक्शन्स हैं वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुए, ठीक है? देखो, 60,000 का प्रॉफिट आ रहा था जो 3:1:1 के रेशियो में एक्स वाई जेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बढ़िया बात है। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो नीचे लिखे गए ट्रांजेक्शन है ना, हाँ जी, ये तो इसमें एडजस्ट ही नहीं हुए हैं। अरे बाप रे, तो इट इज अ सम ऑफ रेक्टिफिकेशन, पीएनएल एडजस्टमेंट, जो हम लोग कैपिटल से एडजस्ट करते थे ना, लास्ट पार्ट हमने पार्टनरशिप बेसिक्स का आखिरी कंसेप्ट यही समझा था, उस पे आ रहा है ये सम, ठीक है? देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, ये एडजस्ट नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 700, 500, 300, ये एडजस्ट नहीं हुआ है। पार्टनर की सैलरी एक्स की और वाई की, ये एडजस्ट नहीं हुआ है। अरे बाप रे, इतना कुछ एडजस्ट नहीं हुआ है, ठीक है? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वर फिक्स्ड एक्स वाई जेड, ठीक है? हमें एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है। ओके जी, बता देंगे, कर लेते हैं ना अभी, बहुत इजी क्वेश्चन है। से पहले तो जी एक्स वाई जेड, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, कितना होगा? मेरे साथ साथ आप लोग निकालिए, बड़ा इजी है। फिक्स्ड कैपिटल है, दैट मींस इसमें फिक्स्ड मेथड यूज हुआ होगा, करंट अकाउंट भी होगा, तो ये जो बैलेंस दिए हैं बिल्कुल करेक्ट बैलेंस दिए हैं फिक्स्ड मेथड में, इस पर डायरेक्ट रेट अप्लाई करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं तब भी हम उस पर डायरेक्ट रेट अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंसेस पे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशनल अमाउंट इफ एनी, मतलब जो उसने कंट्रीब्यूट किया है माइनस परमानेंट विड्रॉल इफ एनी, वो निकलता है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस दिए तो हम ये मानते हैं कि एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन या विड्रॉल क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो जीरो होगा, तो हम ओपनिंग बैलेंस पे डायरेक्ट रेट अप्लाई कर सकते हैं। और हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं जहां क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो वहां हमें पहले ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ता है, फिर हम रेट अप्लाई करके उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ओके बाबा, तो अभी इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल है, डायरेक्ट कैपिटल के बैलेंस दिए उस पर रेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो 1 लाख का कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट रेट कितना था 5%, मतलब 10,000, सिंपल कर रही हूँ ना, 10% अप्लाई कर रही हूँ, उसका हाफ कर रही हूँ क्योंकि रेट 5% है। 80,000 का 10% 8,000, मतलब 4,000। 60,000 का 10% मतलब 6, लेकिन रेट तो 5% है ना, मतलब 3,000 आएगा, ठीक है? ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है? ओके, इस सम को प्लीज सब ध्यान से समझना। प्रॉफिट कितना है जी, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर, ठीक है? क्या हो गया है, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्या हो गया है मेरे को बताना जरा, कितना? 60,000 का प्रॉफिट है जो 3:1:1 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया है इतने से, राइट? सारा प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। 60,000 डिवाइड बाय 5 × 3 दैट इज 36,000, है ना? बारह हजार
ठीक है, ये मैंने क्या किया है बच्चा लोग, मैंने एक सेकंड आपको यहाँ पे विजिबल होगा, मैंने 60,000 को 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो मैंने एक्चुअल में करा हुआ है, मैंने ये कर दिया है। मतलब एक्स का कैपिटल अकाउंट इतने से क्रेडिट हो गया है, वाई का इतने से, जेड का इतने से, बिकॉज प्रॉफिट फाइनली इनके कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, तो इतने इनसे क्रेडिट हो गया है। बाबा क्लियर बच्चों, सबको क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होना चाहिए था ध्यान से सुनना। अब जो होना चाहिए था वो बात है, होना क्या चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कितना आ रहा है 5,000, 4,000, 3,000, ओके। और जो ड्रॉइंग का इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, करा है हमने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है जी, एक्स का है 700, वाई का है 500 और जेड का है 300। उसके बाद सैलरी, सैलरी से तो भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, 1000 से क्रेडिट, 1500 से क्रेडिट, जेड को सैलरी मिलने रही। अब देखो अगर हमारा प्रॉफिट 60,000 है जिसमें ये सारी चीजें एडजस्टेड ही नहीं है, अगर ये सारी चीजें एडजस्ट होती तो कितना प्रॉफिट आता, देखो 60,000 का प्रॉफिट है, उसमें 5 और 4, 9, 3, 12,000 डेबिट हो जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, माइनस करो, ठीक है, 1000 + 1500 दैट इज 2500 और डेबिट हो जाते सैलरी के नाम से, माइनस करो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होता पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, उससे भरता, कितना भरता, 700, 300, 1000, 1500 भर जाता, तो 47,000 आ रहा है, 47,000। ये शेयर है फाइनल शेयर जो 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, 47,000 डिवाइड बाय 5 × 3 प्रॉफिट शेयर 28,200, ठीक है। अब देखो ये हुआ है, होना चाहिए था ये सब कुछ, मतलब X का कैपिटल अकाउंट 28,200 से क्रेडिट होना चाहिए था एज प्रॉफिट शेयर, 1000 से और क्रेडिट होना चाहिए था एज सैलरी, 5000 से और क्रेडिट होना चाहिए था एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 700 से डेबिट होना चाहिए था एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन, तो नेट क्रेडिट कितना होना चाहिए था 33,500, जबकि हो क्या गया है 36,000 से क्रेडिट, होना कितने से चाहिए था 33,500 से, ठीक है, मतलब 2500 से अब इसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट होना कितने चाहिए से चाहिए था एक्स का कैपिटल 33,500, हो कितने से गया 36, मतलब एक्स्ट्रा क्रेडिट कितना हो गया 2500 से, जो हमें कम करना पड़ेगा, मतलब 2500 डेबिट करने पड़ेंगे, समझे, सबको ही समझा। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको आता है ना, ये हटा दे रही हूँ, रिलेवेंस का नहीं है ना, आप लोग एक सेकंड बच्चे लोग, हाँ आप लोग क्या क्या करोगे देखो, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन बता दूं, आप नोट्स में सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखा देना, ठीक है, ओके, एंड सेकंड करेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखा देना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे उसी से तो पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट का शेयर 47,000 है। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, सेकंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखा देना कि भाई ये 60,000 का प्रॉफिट है लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट नहीं हुआ और सैलरी डेबिट नहीं हुई, तो फाइनल 47,000 आ रहा है जो 3:2:1 के रेशियो में बटेगा। तो आप नोट्स में क्या बना के दिखाओगे, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लिया आपने ये, ठीक है, ठीक है, बना लिए, तो उससे
जब आप ये बना लोगे उससे आपको आपका प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हमें मिल जाता है। ये आपका फाइनल आपको करना है। फाइनल कैसे करना है? पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या लिखोगे? प्रॉफिट दैट हैज बीन क्रेडिटेड टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 36/12/12, ठीक है। फिर वॉट हैज टू बी क्रेडिटेड इन रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं चलो बना के ही दिखा देती हूँ, पर मुझे फिर ये सारी फिगर्स कहीं लिखनी पड़ेंगी ना। चलो 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 आ जाओ। फिगर्स तो लिखी हुई है, हम फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करोगे। देखो आप पर्टिकुलर्स लिखोगे, एक्स वाई जेड लिखोगे, ठीक है। आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट गलत क्रेडिट हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 था और 3:1:1 का वो था ना, हाँ 36,000 12,000 ये कर दिया है। अब हम लिखेंगे आइटम्स विच हैज टू बी करेक्टली क्रेडिटेड एंड डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने पहला क्या लिखा? प्रॉफिट जो रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 60,000 जो 3:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, खत्म। सेकंड आप लिखोगे आइटम्स जो एक्चुअली में क्रेडिट होने चाहिए थे पार्टनर्स कैपिटल में और जो एक्चुअली में डेबिट होने चाहिए थे, ठीक है। कैसे? पहला आइटम मेरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी मैंने निकाला है वो लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा आइटम क्या है? सैलरी, जितना भी मैंने निकाला है वो लिख देंगे यहाँ पे। तीसरा आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्रेडिट नहीं डेबिट होना चाहिए था इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट मतलब माइनस के साइन से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम करेंगे, ठीक है। चौथा है प्रॉफिट का शेयर जो 47,000 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो मैंने नोट्स में बनाया है उससे। नोट्स में मैंने 60,000 क्रेडिट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करा और सैलरी को डेबिट किया, तो मेरा फाइनल शेयर 47,000 निकल के आया, जो मैं पार्टनर्स को 3:1:1 एक्स वाई जेड को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो इनका शेयर आ गया। अब इसको प्लस माइनस करने से, इन दोनों को प्लस, इसको भी प्लस, इसको माइनस, जो फाइनल शेयर ऐसे निकल कर आ रहा है ये एक्चुअली में क्रेडिट इतना होना चाहिए था और हो गया है इतने से क्रेडिट, ठीक है। तो अब मुझे पता चलेगा कि मुझे एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करनी है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में। पहले आपको प्रेजेंटेशन समझ में, चलो अभी इधर लिखा ही है ना, मैं लिख लेती हूँ, सारे फिगर्स फिल कर देते अपन, ठीक है जी बच्चा, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन विथ फुल प्रेजेंटेशन ही मिल जाए। 5:1,28,200 700, 500, 300, 700, 500, 543
ठीक है, सबको विजिबल है बच्चा लोग, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ठीक है ठीक है ओके। फर्स्ट आइटम मैंने क्या लिखा है, आइटम जो क्रेडिट कर दिया गया 36, 12, 12, फिर आइटम जो एक्चुअली में क्रेडिट होने चाहिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 543, सैलरी 1000, और इसकी भी थी ना शायद, मैं लिख देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो डेबिट होनी चाहिए थी 700, 500, 300, और प्रॉफिट का शेयर जो फाइनल आया है 47000। 47000 कैसे आया है बाबा, 60000 में ये सारे आइटम एडजस्ट ही नहीं किए, करने चाहिए थे ना पेंडल एप्रोप्रिएशन में, हम क्या करेंगे 60000 लिख देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट पे लिख देंगे, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, सैलरी डेबिट होगा, तब जाके फाइनल शेयर 47000 का है, जो एक्स वाई जेड के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो क्या है 3:1:1, ठीक है ओके ठीक है जी। तो ये मेरा आ गया, एक सेकेंड में देख लूं सैलरी वाई की कितनी है जी, वाई को भी तो सैलरी दे रहे हैं 1500, ओके है ना। अब ये मेरा फाइनल कैलकुलेशन है, कैसे करूंगी देखना जरा, 28200 प्लस 6000 माइनस 700, एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था 33500 से, ये कितने से होना चाहिए था 9400 प्लस 1500 प्लस 4000 माइनस 500, ओहो ये तो 14400 से होना चाहिए था, ये 9400 प्लस 3000 माइनस 300, ये होना चाहिए था 12100 से, ठीक है। इसका मतलब X का कैपिटल अकाउंट 36000 से क्रेडिट है, जो एक्चुअली में 33500 से क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब जी 2500 से एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है, इसको सही करना पड़ेगा, मतलब एक्स के कैपिटल अकाउंट को 2500 से करना पड़ेगा डेबिट, डिफरेंट पेन यूज करो इसके लिए, ठीक है ओके। वाई का कैपिटल अकाउंट 12000 से क्रेडिट है, जबकि बाबा 14400 से क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब वाई के कैपिटल अकाउंट को 2400 से करना पड़ेगा क्रेडिट, ये गलत करा हुआ है, ये सही है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। तो अब हमें करेक्शन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, तो ऐसे ही पास करेंगे ना, जेड का कैपिटल अकाउंट 12000 से क्रेडिट किया है, जबकि होना कितने से चाहिए था 12100 से, मतलब 100 रुपए से और क्रेडिट करना पड़ेगा, यही तो इसका रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। तो देखो फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या पास करती हूँ, देखो 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 सब देखो, एक्स का कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर रही हूँ, ज्यादा ही क्रेडिट हो गया है, ओ एक्स ज्यादा दे रही है तुम्हें, इतने नहीं देने आओ बात है, तुम्हारा कैपिटल अकाउंट 2500 से डेबिट कर दिया मैंने, वाई आई एम सो सॉरी वाई, तुमको हमने कम पैसे दिए 2400, तुम्हारा कैपिटल 2400 और भरना चाहिए, तो क्रेडिट कर दो, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है क्रेडिट, कैपिटल को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है डेबिट, ठीक है। तो वाई का कैपिटल अकाउंट 2400 से क्रेडिट हुआ, और जेड को भी 100 रुपए कम दिए, तो जेड का कैपिटल अकाउंट 100 रुपए से क्रेडिट हुआ। नरेशन में क्या लिखूंगी, बी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, ठीक है ओके। तो मैंने क्या किया, नोट्स में मैंने क्या बनाया, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का नोट बनाया, सेकंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नोट बनाया, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन पूरा अकाउंट नोट्स में बना के दिखा दिया, 60 और 2 डेबिट क्रेडिट करना है सब कुछ, ताकि मेरा फाइनल 47000 का शेयर है जो एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फाइनल जो मेरा फेयर सॉल्यूशन होगा। नोट्स बनाओगे, पहले मैंने बोला था थोड़ा स्पेस छोड़ोगे फेयर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। उसमें मैंने पर्टिकुलर एक्स वाई जेड लिखा, फर्स्ट लिखा क्या गलत क्रेडिट हो गया है वो लिखो, और क्या सही होना चाहिए था वो सब लिखो, ठीक है ये सब ओके हो गया। तो मेरा फाइनल सही निकल कर आया कि एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वाई एंड जेड का क्रेडिट होना चाहिए था, क्लियर ओके ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ओके। और आपका पहले से ही स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपका आराम से अकाउंट का कोड बहुत अच्छे से पूरा विद कंप्लीट क्वेश्चन यहीं सॉल्व होगा, कोई भी डाउट आता है आपको पता है आपको क्या करना है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एंड
प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। बाय बाय।